दोस्तों, ये जमीन, पृथ्वी या अर्थ हमारी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जमीन में हमारी दुनिया में बेहद खूबसूरत जगह है, अद्भुत जगह है, अद्भुत चीज़ें हैं, मिस्टीरियस की चीज़ें हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि हमारी इस जमीन पर क्या क्या अमेजिंग चीज़ें हैं, क्या क्या जगह हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो स्पेशल हैं, अद्भुत हैं और बहुत मज़ेदार है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक दिन और एक रात, ये नेचुरल है। कुछ देर के लिए दिन होता है, कुछ देर के लिए रात होती है, यानी जो एवरेज है वो हमारी दुनिया में 12 घंटे दिन का है और 12 घंटे रात का है। लेकिन कभी कभी या कभी आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि काश यहाँ पर दिन ही दिन होता या काश यहाँ पर रात ही रात होती। लेकिन हम अगर ऐसा सोचते हैं तो उस सोचने से कुछ नहीं होता। दुनिया में जहाँ दिन होगा वहाँ दिन होगा, जहाँ रात होनी है वहाँ रात होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इस दुनिया में बेहद खूबसूरत, बेहद अद्भुत जगहें भी हैं और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर रात ही रात होती है और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको दिन ही दिन मिलेगा। ऐसी जगहें या ऐसे देश हैं, उन देशों में पार्टिकुलर जगहों पर कभी भी दिन ही नहीं होता या कभी रात ही नहीं होती, या बहुत सी जगह ऐसी है वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रात होती नहीं है, दिन ही दिन होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ही देशों के नाम बताने जा रहा हूँ जहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है। पर यह सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है कुछ दिनों के लिए, यानी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रात होती नहीं है। और जो सूरज है ये इतनी मेहरबानी दिखाते हैं कि ये जाते ही नहीं है, ये डूबते ही नहीं है, तो वहाँ पर रात होती ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जगहों के नाम बताऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर अमेजिंग और नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, स्पेशल पर्सन के बारे में वीडियो बनाते हैं, स्पेशल जगह के बारे में वीडियो बनाते हैं या स्पेशल देश के बारे में वीडियो बनाते हैं। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। आप हमारे इस चैनल पर तरह तरह की वीडियो देख सकते हैं, यानी ये हमारा जो चैनल है ये मल्टी टॉपिक चैनल है। हम इस चैनल पर बहुत तरह के सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अब मैं कुछ ऐसे देशों के नाम आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें सूरज नहीं डूबता है, यानी उसके कुछ हिस्सों में सूरज कुछ दिनों के लिए डूबता ही नहीं है, वहाँ पर रात ही रात होती है। Such countries where the sun never sets. Such countries where the sun does not set. Norway. Norway को land of midnight sun भी कहा जाता है, यानी आधी रात के सूरज की जगह। नॉर्वे में 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक यहाँ पर 24 घंटे सूरज निकला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्वे में केवल 40 मिनट के लिए ही रात होती है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक ऐसी भी जगह है जहां पर 100 साल से भी ज़्यादा दिनों से सूरज की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ जून में कभी सूरज नहीं डूबता है, इस दौरान यहाँ 24 घंटे उजाला रहता है। यहाँ 80 दिनों के करीब सूरज डूबता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ये दुनिया का सबसे अच्छा जगह है रहने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा के बारे में। आप लोग भी जानते होंगे कनाडा को मिनी पंजाब भी कहते हैं। कनाडा का एक शहर नुनबुत शहर है जहाँ 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, यानी कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा के अंदर ज़्यादातर बर्फ गिरती है, ज़्यादातर एरिया बर्फीला एरिया है। स्वीडन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। स्वीडन एक बहुत
खूबसूरत देश है। यहाँ मई के शुरुआत दिनों से अगस्त के लास्ट महीने तक सूरज नहीं डूबता है अलास्का। दोस्तों आज बात हो रही है इस वीडियो में ऐसे देश जहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है, उन्हीं देशों में एक देश है अलास्का। अलास्का भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है। अलास्का में मई के आखिरी दिनों से जुलाई के आखिरी दिनों तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ नवंबर के महीने में रात ही रहती है, इस समय को पोलर नाइट कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फिनलैंड। फिनलैंड अपनी बहुत सी खासियतों की वजह से जाना जाता है, ये भी एक बेहद खूबसूरत देश है। आपको अगर घूमने का मन हो तो आप फिनलैंड ज़रूर जाइएगा। फिनलैंड दुनिया के ऐसी जगहों में नाम है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फिनलैंड में भी सूरज नहीं डूबता है। फिनलैंड में 73 दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता है। आप यहां पर रात में भी दिन के मजे ले सकते हैं। फिनलैंड दुनिया का एक मात्र देश है जहां पर वाइफ कैरिंग कंपटीशन होता है, यानी वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। इस चैंपियनशिप में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस चैंपियनशिप में जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को कंधे पर रखते हैं और कंधे पर रखने के बाद बहुत दूर तक दौड़ते हैं और जो बहुत जल्दी से और तेजी के साथ अपनी वाइफ को ले जाते हैं वह जीतते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक मॉस्किटो किलर चैंपियनशिप भी होती है जो कि बहुत अजीब होती है। इस चैंपियनशिप में लोग मच्छरों को मारते हैं और जो इंसान सबसे ज़्यादा मच्छरों को मारता है उसको चैंपियनशिप का खिताब दिया जाता है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर मेरे इस चैनल यानी ट्रू आर एन स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है या मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। हमारी ये वीडियो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पर मिलेगी, चाहे वह YouTube हो, Instagram हो या Facebook हो। ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हमारी ये चैनल है। आप हमारे इस चैनल टू आर एल स्टोरी को सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कीजिए और अगर पेज है तो उसको लाइक का ऑप्शन मिलेगा तो उसको लाइक कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।